उधर साइबर सिटी गुरुग्राम के सराय आलावर्दी कम्युनिटी सेंटर में सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। बादशाहपुर विधानसभा में कई जगह तीज के कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बीरू सरपंच के कार्यक्रम में देखने को मिली। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए झूले लगाए गए, तो वहीं हरियाणा के मशहूर कलाकारों को भी बुलाया गया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गानों पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आई महिलाएं भी सावन के गीतों पर झूमती नजर आई। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक बीरू सरपंच और पिंकी राणा की माने तो सावन का पावन महीना चल रहा है और तीज महिलाओं का त्योहार होता है, इसलिए अपनी बहनों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि बहनें घर से बाहर निकलकर इस त्योहार पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के सराय आलावर्दी कम्युनिटी सेंटर में सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। बादशाहपुर विधानसभा में कई जगह तीज के कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बीरू सरपंच के कार्यक्रम में देखने को मिली। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए जो है झूले लगाए गए थे, तो वहीं हरियाणा के मशहूर कलाकारों को भी बुलाया गया,
जिन्होंने एक से बढ़कर एक गानों पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आई महिलाएं भी सावन के गीतों पर झूमती नजर आईं। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक बीरू सरपंच और पिंकी राणा की माने तो सावन का पावन महीना चल रहा है और तीज महिलाओं का त्यौहार होता है, इसलिए अपनी बहनों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि बहनें घर से बाहर निकलकर इस त्यौहार पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। यहाँ पहुंची मेरी माताएं और बहनों को मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं यहाँ पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। दूसरा, आपको पता है सावन का जो महीना है ये महादेव का महीना है और महादेव का जो महीना सबसे शुभ होता है, इसलिए ये सावन के महीने में ये त्यौहार आता है। सामाजिक न्याय संगठन हर आदमी को जोड़ने के लिए, मेरी माताओं को जोड़ने के लिए, बहनों को जोड़ने के लिए हर गांव गांव जाके, गली गली जाके, छोटी छोटी जो हमारी जनता की जो समस्याएं हैं, जगह है बैठने की, अभी